भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन 23 और 24 फरवरी को फर्टिलाइजर के मैदान में किया गया है, जिसका उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 23 फरवरी को करेंगे तथा 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शिरकत करेंगे और एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ तथा आगरा से गोरखपुर तक LPG गैस पाइपलाइन की आधारशिला भी रखेंगे, जो 9,000 करोड़ रुपये की लागत की है। किसान सम्मेलन को लेकर फर्टिलाइजर परिसर में तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। बैरिकेडिंग के साथ साथ सफाई और मैटिंग बिछाने का काम शुरू हो गया है। सम्मेलन में पूरे देश से 4,000 किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही पीएम मोदी की रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने कहा, अगर ये पकौड़े लगे हैं, मान लो ये पकौड़े लगते हैं, ये अटल लगता है, वो भी डिसाइड होगा। अभी हो जाओ ना। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सम्मेलन निर्धारित है 23 तारीख को। हमारे देश भर से प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के आएंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी सत्र का उद्घाटन करेंगे और 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब इसमें लगभग 4,000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यक्रम स्थल पर इनको प्रवेशिका दे जाएगी। और फर्टिलाइजर मैदान है जहाँ कार्यक्रम होना है और हम अपने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देंगे जो आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ जो संकल्प लिया था और किसानों ने इस देश के करोड़ों किसानों ने जो सरकार को बनाया था, आज सरकार अपने वादे पर पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित है। जो कहा उसको पूरा किया और सब तमाम विषय पर पार्टी प्रशिक्षण देगी। उस बैठक में वो सत्र रहेगा, अलग अलग सत्र तय करके कार्यक्रम हम लोगों का होगा।